सुबह जाना चाहिए था आपको। Thank you.
Thank you.
कल्याण प्रोग्राम सुभद्रा सुदर्शन Krishna,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे उधर बैठो पीछे तो हाँ बैठो तो, तुम लोग इधर बैठो तो बैठो तो मैं आपको नहीं करी अच्छा मेरा बैग सबके सब साधु हैं, ये स्वयं भी प्रभु की भक्ति करते थे और सबको प्रभु का भजन कराया करते थे। उनको देश में खुद भजन करते थे राजा रानी और सबको उन्होंने भजन भी कराया करते थे राजा लोग। पहले राजा लोग नास्तिक नहीं होते थे, पहले राजा लोग बड़े धार्मिक होते थे, हैं खुद हरिनाम करते थे और सबको बोलते थे भैया हरिनाम करो प्रभु का भजन करो। बोले क्यों? बोले ये दुनिया बनाया किसने, ये दुनिया किसने बनाया है? ठाकुर ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाया, ये सब ठाकुर ने बनाया है। जब जिसके जैसे घर में पिता माता है, अगर वो बच्चे को लालन पालन करे खिलाए पिलाए, अगर बच्चा अगर पिताजी की ओर प्रणाम करता है, पिताजी का बात सुनता है, सवेरे उठ करके जैसे भगवान राम सवेरे उठ करके क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सवेरे उठ करके
पहले पिता माता की चरण छूते थे, आप बताओ आप लोग कितने लोग हो जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हैं। हरे कृष्णा, आप लोग बताओ तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हो, हाथ उठाओ तो। कौन पिता माता की चरण छूते हैं? इसलिए नियम है सवेरे उठकर क्या करनी चाहिए, पिता माता की चरण छूनी चाहिए, क्योंकि पिता माता का आशीर्वाद से ही जगत में पिता माता की वजह से संसार में आए हैं, उन्होंने हमें लालन पालन की है। इसलिए भगवान राम यही शिक्षा देते हैं, सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की क्या करो, चरण छुआ करो। जो छूते हो तो बहुत बढ़िया है, और जो नहीं छूते हो ना आप भी छुआ करो। जितने 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 माताएं भी है, जितने घर की बहू हैं और घर के जितने माताएं भी है ना, क्या करना, सबसे पहले उठकर क्या करना है, क्या करना, अपना सास ससुर को भी, अपना सास ससुर को भी चरण छूनी चाहिए। देखो जैसे समझो ये समझो, सास ससुर का चरण छूने का भी कितना लाभ है। जैसे एक व्यक्ति का तीन बेटे हैं, तीन बहू हैं, देखना जो बहू सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुएगा, उनकी खूब मीठी मीठी बात करेगी, सेवा करेगी, सारे घर का धन संपत्ति सोना चांदी किसको पास में, पिता माता को पास में, सास ससुर को सामने। जो बहू ज़्यादा सेवा करेगी ना, जब घर की बंटवारा होएगी, वो कुछ ना कुछ वहाँ छुपा करके जो सेवा करती है उसके लिए रख लेगी, बोले तू मेरी सेवा करती हो, ले उसको छुपा करके तू धर ले, दूसरों को बोलना नहीं। इसलिए भैया सास ससुर की सेवा करने का भी महत्व, और पिता माता का आशीर्वाद से ही हम फलते हैं फूलते हैं। इसलिए जरूर घर सवेरे उठ करके पिता माता की सेवा करना। इसलिए पहले जितने राजा आप लोग का सामने आ जाओ, किशोर के सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, थोड़ा और थोड़ा आगे, किशोर बर्फ जैसे जमके लगता है। इसलिए राजा लोग पहले क्या करते थे, राजा लोग पहले भजन करते थे, और ये प्रजाओं को भी ना ये भजन करवाया करते थे, हैं। इसलिए कहते ये जो जगन्नाथ जी जो प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ जी जब ये जगन्नाथ जी प्रकट हुए, श्री जगन्नाथ एक बार जगन्नाथ का जयकार दो, बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, कोई जय कोई है बोलते हो। देखो भगवान की जयकार जो जितने जोर से देगा है ना, ठाकुर को थोड़ी जयकार है, उनका तो जयकार है ही है, लेकिन उनको जो जयकार देते हैं उनका ही जयकार होता है। जो जितने जोर से ठाकुर का जय देगा उतना पाप खत्म होगा, उतना दुख क्लेश खत्म होगा, उतना तुम्हारी जगह संसार में जय जय ठाकुर को तो जय जयकार है, उनको क्या जय देना, लेकिन जो जय देता है उसका जय होता है, ठीक है ना। जोर से बोलो, बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बोले श्री बलदेव प्रभु की जय, जय श्री सुदर्शन चक्र की जय, बोले श्री सुभद्रा देवी की जय, बोले बड़ौद के भक्त वृंद की जय। इसलिए कहते श्री ये जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए हैं, ये जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए हैं भगवान का आशीर्वाद से, जब ठाकुर जी प्रकट हुए, प्रकट होने पर तब श्री नारद जी, भगवान नारद जी के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए, और नारद जी को बोले नारद जी वर मांगो, क्या बोलो, बोले वर मांगो। देखो नारद जी भगवान से क्या वर मांगे, बोले हे प्रभु मेरे को ये वरदान दो, ये जो ठाकुर जी है, हरे कृष्णा श्यामा फिर खोल दो, इसलिए ये जो ठाकुर जी है, कहते ये कलियुग में, आप कलियुग में श्री जगन्नाथपुरी में श्री नीलाचल क्षेत्र में आप इसी स्वरूप में आपकी पूजा हुई, अगर ये कलियुग में एक बार कोई ये ठाकुर को दर्शन कर ले, केवल एक बार ये दर्शन करे तो उसको जगत में जैसे पुनर्जन्म नहीं हो, जगत में उसको जन्म लेना नहीं पड़े। देखो ये पुराण का श्लोक है, कहते रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर ये जगन्नाथ जी को कोई रथ के ऊपर में और इनको एक बार उनको दर्शन करे, कहते संसार में उसका दो बार जन्म होगा ही नहीं, जगत में जन्म ही नहीं होगा जगत में, इतने महत्व है जगन्नाथ जी। इसलिए ये जगन्नाथपुरी में इतने लाख लाख लोग हो तो जो सोच नहीं सकते, इसलिए आज जगन्नाथ जी रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में, बड़े धूमधाम से वहाँ रथ यात्रा निकली। ये रथ यात्रा मतलब क्या है,
बोले रथ यात्रा मतलब होता है जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, गोपियों ने पूछा प्रभु कब आओगे, बोले आज जा रहा हूँ, कल कंस मामा को उधार करके परसों आ जाऊंगा। लेकिन परसों बोल करके परसों बीत गया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। कृष्ण ब्रज गोपियां रोती रह गई। लेकिन एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, पूर्ण सूर्य ग्रहण में आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र में है, वहां पर जो ब्रह्म सरोवर में सब जाते हैं और उसमें स्नान करते हैं, सारा दुनिया का लोग वहां पर स्नान करने के लिए आए। लेकिन वहां नंद जसोदा ब्रजवासी भी गए और कृष्ण द्वारका से अपना महिषियों को लेकर के आए थे। इतने में जब कृष्ण को पता चला मेरे पिता माता भी आए हैं, कृष्ण ने स्नान करके ब्राह्मण संतों को दान दे करके इन्होंने अपने पिता माता से गोपियों से उन्होंने मिलने के लिए गए। जब गोपियों से मिलने के लिए गए, फिर जब श्री राधा रानी से मिले, आप लोग बोला ना इधर आगे बैठो, आप लोग आगे आ गए, क्या डर लग रहा है यहाँ बैठने, आगे आगे। इसलिए जब उन्होंने श्री राधा रानी से जब उन्होंने मिले, कहते राधा रानी उधर बैठो, जब उन्होंने श्री राधा रानी से मिले तब राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आप भी वही कृष्ण हो, मैं भी वही राधा हूँ। लेकिन जब हम दोनों वृंदावन में, जहाँ पर सुंदर जमुना नदी कलकल नाद से बह रही है, जहाँ पर जूई चमेली बेली, जहाँ पर सुंदर फूल खिला हुआ हो, जब हम वहाँ पर निकुंज में हम दोनों मिलते थे, उसमें जो आनंद था, कहते यहाँ पर तो हाथी घोड़ा सैन्य सामर्थ, आपका शरीर में कोई ब्रज का बेस नहीं, इसलिए हे ठाकुर जी अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाहते हो, मेरी हृदय रूपी रथ में आप बैठो और आपको हम ले चलते हैं, कहाँ आपको वृंदावन में ले जाएं। जब श्री वृंदावन में आपको साथ में मैं मिलूंगा तब मेरे को पूर्ण आनंद मिलेगा। इसलिए ये जो रथ यात्रा नहीं, ये राधा रानी अपना हृदय में श्री कृष्ण को हृदय रूपी रथ में बैठा करके उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जा रहे। और जब वृंदावन ले जाते हैं ठाकुर जी और वृंदावन जाते हैं बड़े प्रसन्न, क्यों, राधा रानी से मिलेंगे, गोपियों से मिलेंगे, मेरे ग्वाल बालों को साथ में मिलेंगे, मेरे पिता माता जी से मिलेंगे, भगवान बड़े खुश हुए। कितने दिन बाद में मिल रहे हैं, 100 साल के बाद में, कितना दिन, 100 साल के बाद में मिल रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी जब रथ को पर बैठ करके ठाकुर जी जाते हैं इतने प्रसन्न रहते हैं। मैं उड़ीसा के देश को हूँ, वही देश का हूँ, हमारे देश में जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा होती थी ना, बड़ी बूढ़ी कहती थी, जो माताएं गर्भवती रहती थी कहते देखो अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने मत जाया करो। बोले क्यों, बोले तेरे पेट में बच्चा है ना, जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठे हैं और इनकी इतने कृपा दृष्टि, जगन्नाथ जी की आँख देखना इतने बड़े बड़े। बोले क्यों, बोले अपना कथा सुनते सुनते प्रेम में द्रवीभूत होकर के राधा रानी प्रेम में ये जगन्नाथ जी गल गए, मतलब प्रेम में ये द्रवीभूत हो गया, ये प्रेम का भगवान की है, प्रेम का स्वरूप श्री जगन्नाथ जी। कहते थे मत जाया करो, तो बोले क्यों, बोले जब तुम जगन्नाथ जी को देखोगे ना, जब रथ के ऊपर बैठे हुए होते हैं, सामने जितने लोग होते हैं सबको ठाकुर देखते हैं और उनकी इतने प्रभाव पड़ता है, माताओं की पेट में जो बच्चे को ऊपर में भी प्रभाव पड़ जाती है, कहते बच्चा का जो आंखें है ना बड़ी बड़ी हो जाए, मतलब पेट में जो बच्चे हैं वहां तक भी जगन्नाथ की कृपा हो जाती थी, पेट में जो बच्चे हैं उनकी आंख भी बड़ी बड़ी हो जाती थी। इसलिए हमारे देश में कहते थे मत जाया करो जगन्नाथ जी को देखने के लिए रथ यात्रा के ऊपर में, एक बार उनको देखोगे तो हमारी गर्भवती ऊपर में भी बच्चे का, क्यों, जिसको वो दर्शन करते हैं उनको ऊपर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिलता है। जैसे हम ठाकुर को भोग लगाते हैं, देखो स्क्रीन बंद करके ठाकुर को अंदर में मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे नियम हैं जितने दूर तक जगन्नाथ जी की रथ दिखाई पड़ता है उतना दूर से ही उन्होंने जो कुछ भोग लगाते हैं, जय जगन्नाथ की जय, जोर से बोलो, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जब उन्होंने ऐसे हाथ करके उनको दिखा देते थे वहीं से ही जगन्नाथ ग्रहण कर लेते थे। और जगन्नाथ पुरी में अगर कभी कौन कौन जगन्नाथ पुरी गए हो, हाथ उठा तो, आप लोग दो चार लोग गए हो,
आप बताओ कौन जाना चाहते हैं जगन्नाथपुरी? हाथ उठा। देखो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हम लोग भारत में जन्म हुए हैं। भारत में सहज में जन्म नहीं होता है, भारत में सहज में जन्म नहीं होता है। बड़े बड़े पुण्यात्मा को भारत में बड़े बड़े पुण्यात्मा की जन्म होता है। बड़े भाग्य से किसी को भारत भूमि में जन्म मिला, इसलिए देश का नाम भारत। भा मतलब प्रकाश, रत मतलब जो प्रकाश का तरफ में रत रहते, प्रभु की प्रेम और भक्ति की तरफ में जो रत रहते हैं। और पृथ्वी भारत को छोड़ करके आप कहीं भी जाओ, लंदन, फ्रांस, अमेरिका, कहीं आपको चारधाम मिलेगा? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री कहीं मिलेगी? कहीं आपको गंगा जमुना मिलेगी? कहीं आपको है कि कहीं आपको जो चार धाम कहीं मिलेगा? वृंदावन धाम मिलेगा? अयोध्या मिलेगी आपको? कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा हैं। इसलिए भारत इतने पुण्य भूमि है। और देखो जितने भगवान कहाँ पर जन्म हुए भारत में, बता भगवान राम कहाँ है, भगवान कन्हैया कहाँ पर आए? वृंदावन। और भगवान राम और हमारे भगवान राम भी यही आए, नरसिंह भगवान भी यही आए। जितने देखोगे भगवान है ना, ये सबके सब हमारे भारत में आए। इसलिए भारतवासी बड़े पुण्य भूमि है, ये भारत भूमि बड़े पुण्य भूमि है। कहीं इतना आनंद नहीं जहाँ पर भारत में आनंद है। इसलिए कहते हम लोग बड़े भाग्यवान जो जगन्नाथपुरी धाम में। अगली बार सब तैयारी करना, सबके सब चलेंगे वहाँ पर। कौन चलेगा? सब चलोगे, लेकिन अभी से थोड़ी थोड़ी पैसा जमा करके रखो हैं। पत्नियाँ पति से और पति पत्नियों से हैं। आपको पता होगा जिस समय ये 500 का नोट और 2000 का नोट जब बंद हुआ, आपको पता हुआ क्या हुआ? सबसे दिक्कत किसको हुई? बोले माताओं। बोले क्यों? पति अगर बोले तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं, बोले 20 का नोट के लिए भी मेरे पास में पैसा नहीं। लेकिन जब 500 और 2000 रुपया बंद हो, 1000 रुपया बंद हो गया ना, तब सारे नोट निकला। इतने नोट निकला माताओं के पास में। पति तो किस तरह से सोच रहा है, मेरे पास में पैसा किसी सुलटा है, अभी चिंता में पड़ेंगे, मेरा सुलटा ना इसका सुलटा, इतने पैसा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना, कोई बात नहीं। माताएं जो पैसा जमा करती है ना, जैसे बेटी की शादी, उनको चिंता है बेटी की शादी में कितने पैसा लगेगा। इसलिए जब शादी का समय आती है ना, माताएं सारे पैसा निकाल देती है। पति कहते इतना पैसा कहाँ से लाए? बोले मेरे को पता था बेटी की शादी में पैसा लगेगा, इसलिए मैं उसी समय से छुपा छुपा करके रख रही थी। किंतु माता की घर की लक्ष्मी है, माताएं घर की लक्ष्मी माताएं हैं। इसलिए लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा जमा करना। जो जगन्नाथपुरी में अगली बार सबके सब जाएंगे और वहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा दर्शन करेंगे, और बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर है वहाँ पर, सबके सब हम ठाकुर भी हम दर्शन करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी हमारे और श्यामानंद कहाँ गया? श्यामानंद अच्छा थोड़ी सी बोलते हैं, जल्दी आ मैं ले ग्रह देखा देखा तब जति मना चुको प्रभु गए जल्द जल्दी आ जाए देखवा दरकर नहीं बैठने देते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय।
सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंशा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्सी श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्सी श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंशा करता हूँ। रूपानुग गुरुपाद पद्म विशेष सड़ गोस्वामी प्रभु सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर युगल किशोर राधा गोविंद जी सपरिकर स्वपार्श्व जगत गुरु प्रभुपाद श्री जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद श्री शिवानंद सेन श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु की कृपा वंशा करता हूँ। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद समावेग भक्त वृंद उपस्थित सतीर्थ वैष्णव वृंद पूज्य पाद नवीन कृष्ण प्रभु प्रेम कृष्ण प्रभु संजय प्रभु आदि समस्त भक्त वृंद चरण धम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। सबसे पहले तो रथ यात्रा की हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन है और अहो भाग्य भी है कि हर साल का इतना ही है। हरि बोल। हर साल गुरु श्रील गुरुपाद पद्म रथ यात्रा के अवसर पे आप तक पूरे में ही रहते हैं। पिछले साल तो पूरी में ही थे और अहो भाग्य है कि इस साल हम लोगों के साथ यहाँ पे हैं, तो इससे अच्छा अहो भाग्य और नहीं हो सकता शायद, और कभी भी इस दिन आ ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से अभी आ ही नहीं सकता क्योंकि जगन्नाथ जी इतने अदयालु नहीं हो सकते। बलदेव प्रभु निश्चित रूप में अगले साल रथ यात्रा में निश्चित रूप में ठाकुर जी दो साल तक बिना भक्त में किए और कितने दिन बिना भक्त में करेंगे। जगन्नाथ जी को हमारे उड़ीसा में भक्त वसल भक्त भाव रे बंधा एक उड़िया लाइन है कि भक्तों के भाव से बंधे हुए ठाकुर बोलते हैं, तो बिना भक्तों से दो साल तो कर लिया ठाकुर जी, नहीं लगता कि आगे भी ऐसा होगा। निश्चित रूप में आगे अगले साल बड़े सुंदर रूप में वहाँ पे रथ यात्रा हो सकता है भगवत कृपा से। तो ये इस प्रकार का दिन कभी भी उपस्थित नहीं होगा कि रथ यात्रा का दिन हो जगन्नाथ जी के सान्निध्य में, बलदेव प्रभु सुभद्रा सुदर्शन जी के सानिध्य में गुरुपाद पद्म आज हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए इस जगह पे यहाँ पे उपस्थित है, इससे बड़ा सौभाग्य और नहीं हो सकता है। तो गुरुदेव ने थोड़े कुछ पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए बोला है, विशेष करके सबके हृदय में आज तो उत्साहित है ही है कि श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। दो तीन दिन पहले गुरुपाद पद्म बता रहे थे कि जिसे रथ यात्रा होता है ना वहाँ पे हजार हजार लाख लाख लोग हर मठ में हर जगह पे कुछ ना कुछ वैष्णव लोग वहाँ पे आ ही जाते हैं, सारे वैष्णव वहाँ पे एकत्रित होते हैं। वो जो आनंद वो अवर्णनीय है, उसको मैं वर्णना नहीं किया जा सकता किस प्रकार गुरुदेव वहाँ जाते थे दो चार दिन के लिए और वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर रूप में कथा कीर्तन होता था और नगर संकीर्तन होता था। उसमें भी जब पिछले बार दो साल पहले की बात बता रहे हैं, मैं पूज्यपाद पर्वत महाराज जी के साथ जा रहा था और बीच बीच में भटक गया था, तो अन्य मठ भी जाते हैं, अन्य मठ के कीर्तन दल भी जाते हैं रथ यात्रा में, हमारे मठ के कीर्तन दल भी जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे कीर्तनियाँ हैं, कीर्तन दल जाते हैं वहाँ पे कीर्तन करते करते। बहुत सारे लोग वहाँ पे कीर्तन अलग अलग दल के कीर्तन लिया जाते हैं, तो हमारे मठ से कुछ नए भक्त आए थे, शायद नोएडा से आए थे और अन्य अन्य जगह से भी आए थे, वो लोग बीच में ही अटक गए और इतने बड़े सिटी में इतना सारा लोग लाख लाख लोग रथ यात्रा देखने के लिए आ रहे हैं उपस्थित हो रहे हैं, तो सब बीच में ही अटक गए। तो उसमें से पूज्यपाद महाराज जी ने बोला, वहाँ पे दो तीन महाराज जी और थे, जहाँ पे देखना कि कीर्तन का जो लहर छूट रहा है, जहाँ पे देखना कि भक्ति और नारायण गोस्वामी महाराज जी का जहाँ पे पटचित्र लगा के सब भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं और जहाँ पे गुरुदेव के नाम लेते हुए कहा उन्होंने जहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं, मान लेना उसी जगह पे ही चले जाना, ये राधा दामोदर गोड़े मठ ही होगा। तो ऐसा हमारा इस प्रकार का कीर्तन होता है, गुरु महाराज जाते हैं हर समय कि पुलिस लोग हटा नहीं पाते हैं, पुलिस चाहते ना चेष्टा करते हैं, अन्य अन्य कीर्तन या बहुत सारे कीर्तन या दल जाते हैं वहाँ पे कीर्तन करते हैं ठाकुर जी के रथ के सामने, उन सबको हटा देते हैं, लेकिन हमारे कीर्तन को देख के वो अट्रैक्ट हो जाए, पूरा राउंड करके रख देते हैं, पुलिस भी
इतना सपोर्ट करते हैं रथ यात्रा में, बोलते हैं इनको कीर्तन करने दो। ये गुरु महाराज जी का प्रभाव है, परम गुरुदेव का प्रभाव है कि किस प्रकार हम किस संप्रदाय में, मतलब किसी संप्रदाय तो गौड़ीय है, उसमें भी जो उत्साह प्रदान करने वाले संप्रदाय और उसमें भी जो परम चरम शिक्षा प्रदान करने वाले संप्रदाय, ये अपने में अनोखा है। तो ये हमारे ऊपर सच में विशेष सौभाग्य की तिथि है कि ठाकुर जी का आज रथ यात्रा है और हम सब लोग गुरु महाराज के सान्निध्य पे यहाँ पे बैठ के कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। यद्यपि हम श्री पुरुषोत्तम महात्म्य इस ग्रंथ में श्री जगन्नाथ जी का सारे के सारे विषय में वर्णन किया गया है, उसमें से एक श्लोक में श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में एक श्लोक में बता रहे हैं कि यथा विवाहुतम सैन्यम नीलाद्रिगिरिशम प्रति जजन्यम तृतवासम करोमि निश्चय भवात् ततो हो उत्सव कुर्जा सर्वो रथोदृष्टम। कि जिस प्रकार इसका अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बात कौन बता रहे हैं, यम महाराज जी को साक्षात जो श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम के जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर कोई अगर पुरुषोत्तम धाम नहीं आ पाया, ध्यान से सुनना, कोई अगर पुरुषोत्तम धाम पूरी नहीं आ पाया और उसके मन में बड़ा तीव्र जागृत हुआ है कि मैं पूरी जाऊं, मैं एक बार पूरी जाऊं, वो भी रथ यात्रा के दिन मैं पूरी जाऊं, और रथ यात्रा के दिन वहाँ पे गुरु महाराज जी के सान्निध्य पे और अन्य अन्य वैष्णव के सान्निध्य पे ठाकुर जी के रथ को कि जावत जियम तत्र वासम, और जिस स्थान पे है उसको सारे के सारे रथ का, रथ खींचने का, नृत्य करने का सारे के सारे फल वहीं प्राप्त हो जाते। कोई अगर जा नहीं पाया और उसी स्थान पे बैठ के अगर रथ यात्रा को स्मरण कर ले, केवल उसी ठाकुर जी रथ में विराजमान है ऐसे मन ही मन स्मरण कर ले और उसी जगह पे उत्सव कर ले ना, तो बोलते हैं उसी जगह पे ही रथ यात्रा का वास्तविक फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र की बात है। अब देखो, ये मत सोचना कि हम नीलाचल पूरी पुरुषोत्तम धाम जा नहीं पाए, वास्तव में गुरु महाराज जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, इससे बड़ा पूरी और धाम कहाँ हो सकता है। तो इसीलिए यही रथ यात्रा है, और विशेष रूप में कि वास्तव में जहाँ पे भक्तिनोद ठाकुर बोलते हैं कि साधु संग जथा स्थान है, तीर्थ फल सही स्थान है। भक्तिनोद ठाकुर एक कीर्तन में बोलते हैं मन तुम्हें तीर्थ सदा रतो, कि जहाँ पे वैष्णव गण रहते हैं, जहाँ पे वैष्णव गुरु वैष्णव गण रह के कुछ विशेष चीज के लिए कुछ विशेष उत्सव मनाते हैं, उत्सव आदि करते हैं और हृदय में इच्छा रखते हैं भक्त लोग आए उस समय योगदान दे, तो निश्चित रूप में कृपा ही कर दे, पहले से ही कृपा कर दे। मान लो हमारे कृपा 3 दिन से ही हो गया, क्योंकि 3 दिन से गुरुदेव सोच रहे हैं कि रथ यात्रा हो, मुझे भेज रहे हैं इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, उसके पास जाओ, सबको बुलाओ। गुरु महाराज जी ने वो 3 दिन पहले ही कृपा कर दिया और आज तो पूरा सान्निध्य जिन जिन लोगों यहाँ पे बैठे हो, निश्चित रूप में उन्होंने गुरु के कृपा के बाद क्या होते हैं, कृष्ण स्वयं उनको आलिंगन करते हैं। तो निश्चित रूप में आप सबको भी निश्चित रूप में जगन्नाथ जी आलिंगन कर ही लिए, इस प्रकार का विचार मन में करना चाहिए। और आज जो ठाकुर जी का तिथि है, देखो एक समय जो रथ यात्रा जो वास्तविक अर्थ है, हमारे गुरुवर्ग ने जिस भाव को दर्शन करवाया है तो उसमें बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में एक समय सूर्य ग्रहण का समय था और सूर्य ग्रहण के समय के पश्चात ब्रजवासी भी वहाँ स्नान करने आए थे और कुछ अर्जुन के साथ जो हस्तिनापुर में जो रहते थे कुंती और पंच पांडव आदि कृष्ण के साथ वहाँ स्नान करने गए। तो कृष्ण वहाँ पे द्वारिका के कृष्ण हैं, बड़े सुंदर सुंदर अलंकार मुकुट आदि धारण कर रहे हैं, धारण करके वहाँ पे कृष्ण जा रहे हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही वहाँ पे राधा रानी भी किसी ने गुरुवर को बताते हैं कुरुक्षेत्र में राधा रानी भी स्नान करने के लिए आई थी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं कृष्ण को, गोपियाँ कृष्ण को देखते हैं, देख के बोलते हैं ये कौन है, कृष्ण को देखते हैं, देख के बोलते हैं कौन है, प्रभु आप वो कृष्ण नहीं हो जिनका मोर मुकुट हो, जिनका शरीर में धूलि धूसर हो, जिनका वैजयंती माला हो, जो पीताम्बर धारण करके पूरा जो ब्रज ग्वाल भाव में विराजमान करते हैं, वो आप कृष्ण हो, कृष्ण नहीं हो आप कौन हो ना, आप तो राज राजेश्वर ऐश्वर्यमय कृष्ण हो, इस कृष्ण से हमारा कोई लेना देना है नहीं। एक परम गुरुदेव में एक आर्टिकल्स लिखे हैं, परम गुरुदेव एक भाव को बता रहे हैं कि कैसे भाव दिखा रहे हैं परम गुरुदेव। परम गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो एक समय यशोमती माया के हृदय में भाव जागृत हुआ, क्या भाव जागृत हुआ कि मेरे कृष्ण तो राजा है, नंद बाबा राजा है तो कृष्ण भी क्या हुए, राजकुमार, तो मेरे कृष्ण तो ब्रजेंद्र कुमार है, राजकुमार है,
फिर भी ब्रज के ये तो राजा हैं कृष्ण, होने पर भी ये क्या करते हैं, चप्पल धारण करते हैं, वृंदावनम स्वपद रमणम, खाली पैर में वृंदावन को भ्रमण करते हैं, गोचरण करते हैं, भाई ये तो राजाओं का काम नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं कि एक एक काम किया यशोमती मैया ने, बोले लाला तुमको मैं आज क्या करूँगा, सुंदर सुंदर मोर मुकुट धारण करवाया, हाथ में सुंदर सुंदर कंगन, गले में सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र आदि धारण करके भेज दिया। अब सोने के बांसुरी ठाकुर जी धारण करके गोचरण करने के लिए गए। जैसे ही गोचरण करने के लिए गए वहाँ पे, तो सब सखा देखने लगे, भाई ये कौन है, ये तो हमारा वो कृष्ण नहीं है। गोपियाँ हर समय कृष्ण को देखते रहते, बोलते ये कौन है, ये तो वो कृष्ण नहीं है। तो सखा लोग के साथ जैसे तैसे करके कृष्ण तो सखा लोग छोड़ के चले गए, बोलने परम गुरुदेव बोलने सखा लोग कृष्ण को छोड़ के चले गए, और कृष्ण उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, भाई मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, गोचरण करना है, हाँ मुझे ले के चलो। तो ऐसे परिस्थिति में सखा लोग बोलते हैं, भाई तुम कौन, ऐश्वर्यमय राजा हो, हाँ तुम अपने आप को भगवान बोलते हो, तुम ऐश्वर्यमय राजा हो, और तुम्हारे हमसे, हम तो नंद क्या, हम तो ग्वाले, हम तो ठहरे ग्वाले, अब तुम राजा हो और तुम्हारा और हमारा मेल जोट हो ही नहीं सकता, तुम अपने अलग रास्ता देखो, हम अपने अलग रास्ता देखते हैं। तो ठाकुर जी रोने लगे। अब सखा लोग बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हो, भगवान कहीं रोते हैं, हाँ तो कृष्ण इस प्रकार का जो लीला दिखा रहे हैं वहाँ पे, मधुमंगल सखा बोलते हैं इसका सब हटाओ, इसका मोर मुकुट, इसका ये जो सोने का मुकुट आभूषण सब हटा के यमुना में बहाओ। कहीं कोई सखा फूल ले आए, कोई सखा फल ले आए, और कोई एक मिट्टी होता है जो शिव विग्रह में अंगराग होते हैं, तिलक होते हैं, कोई सखा तिलक लेके आए, एक एक करके फूल बना रहे हैं, कृष्ण के शरीर में धूली धूसर करवा रहे हैं, हाँ सोने के बांसुरी हटा करके ठाकुर जी के हाथ में बेत्र और बांसुरी जो ग्वाल वाल पकड़ते हैं उसको पकड़ा रहे हैं, और एक सखा चिंता कर रहे हैं कि मैं थोड़ा कृष्ण का तिलक कर लूँ, गौर गणे राधा कृष्ण गण दीपिका के अनुसार जो स्तोक कृष्ण है वो कृष्ण के बड़े सुंदर तिलक करते हैं। तो एक एक सखा क्या करते हैं, कृष्ण को तिलक करते हैं, सुवल सखा आए कृष्ण को तिलक किए, तिलक करने के बाद वो सोचने लगे ये अच्छा नहीं है, मधुमंगल आए उसको तुरंत ही मिटा दिए। फिर एक सखा आके बोलते ये अच्छा नहीं, इसको मिटाओ, ये अच्छा नहीं, इसको मिटाओ, तो इस प्रकार का श्रृंगार करते हैं। तो उस साक्ष्य रस में अगर इस प्रकार का भाव है, उससे दोगुना रस, जो माधुर्य रस है और उससे ऊपर भी वात्सल्य रस और माधुर्य रस, तो वहाँ पे गोपियों किस भाव में कृष्ण को श्रृंगार करते हैं, राधा रानी किस भाव में कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं, है? तो यहाँ पे सुवर्ण अलंकार जड़ित कृष्ण को देख के कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं कि ये तो हमारे कृष्ण है ही नहीं। वहाँ पे उसी परिस्थिति में कृष्ण उनके भाव भाव को देख के सब उतार दिए, और कृष्ण पूर्ण रूप में वो वैजयंती माला धारण करके श्याम सुंदर रूप में वहाँ पे दर्शन दिए, और उसी भाव में कृष्ण को जोर जबरदस्ती ब्रज गोपियों क्या किए, कृष्ण को रथ में बिठाया, कृष्ण को बलदेव और सुभद्रा देवी को रथ में बिठा के वृंदावन लेके गए। इसी भाव का नाम ही रथ यात्रा है। देखो श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने करचा लिखा, तो एक करचे में श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक भाव को लिख रहे हैं, उसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कविराज गोस्वामी ठाकुर चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर एक भाव को वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे कि यद्यपि जगन्नाथ करे न द्वारिका विहार, सहज प्रकट करे परम उदार। कि यद्यपि जगन्नाथ जी क्या करते हैं, द्वारिका में विहार करते हैं, जगन्नाथ जी द्वारिका में रहते हैं, कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, फिर भी द्वारिका में रहने पर भी उनका जो हृदय के जो भाव है वो क्या है, ना मैं कब वृंदावन के उसी कृष्ण को देखूं, वृंदावन में कब जाऊं और ब्रजगोपियों के साथ रुकूं। देखो द्वारिका में छिप छिप के मिलने का कोई कारण ही नहीं है, सब महिषीगण है, लेकिन वहाँ पे छिप छिप कर मिलते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंस है, देखो द्वारिका के जो सखा है अर्जुन, अर्जुन को जैसे ही कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया अर्जुन ने स्तुति कर दिया, और वहाँ पे कृष्ण ने षडभुजा रूप दिखा दिया, बारह भुज होके गरुड़ पे बैठ गए, लेकिन जो सखा लोग थे वो कृष्ण को बोलते हैं ये भगवान है, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे द्वारिका में अगर कभी कभी कोई सखी मान नहीं करती, कोई उनके जो महिषियाँ हैं कोई मान नहीं करते, द्वारिका में कभी भी मान नहीं करते, अगर बीच बीच में सत्यभामा मान कर लेती है तो जैसे ही द्वारिकाधीश बोलते हैं ये शक्राजीत के कन्या को इधर से हटाओ, सारे मान भंग हो जाते हैं। और वहाँ पे ब्रज में अगर कृष्ण को बोल दिया, कृष्ण ने मान कर लिया, किसी गोपी को कुछ बोल दिया, तो एक गोपी बोलते तो हमको साड़ी देती है, हमका देती है, ढिमका देती है, बहुत सारे बात वहाँ पे बता देते हैं,
बोलते हैं कि कृष्ण के ऊपर उठ के बोल देते हैं तुम्हारा हमें जरूरत नहीं, तुम हट जाओ यहाँ से, तो किस प्रकार का जो भाव है उसमें भी जो द्वारिका में रहते हुए जो जगन्नाथ जी है, जो कृष्ण है, तो वो हर समय सोचते हैं कि मैं कभी वृंदावन जाऊँ। तो एक समय की बात है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस विचार को बता रहे हैं कि तथापि बसर मध्य है एक बार वृंदावन देखी थे उत्कंठा पार। कृष्ण का तो वर्ष में मतलब एक साल में वृंदावन देखने का उनका इतना उत्कंठा होता है, इतना उत्कंठा होता है कि वो बोलते हैं लक्ष्मी जी को मनाने के लिए 15 दिन तक, टीकाकार बोलते हैं कि लक्ष्मी जी को मनाने के लिए 15 दिन तक उनको मनाते हैं कि मैं 15 दिन के लिए जा रहा हूँ। गुरुवर्ग इस टीका में बताते हैं, इसीलिए वृंदावन से ए उपवनगण तहारे देखित है उत्कंठित मन, बाहरे होए ते करे रचल यात्रा चल, सुंदर चल जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल चल। इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि बाहर होए ते प्रभु रथ यात्रा चल, प्रभु आप तो रथ यात्रा के छल के नाम से बाहर से निकलते हो, हाँ आपका तो केवल छल मात्र है कि मैं रथ यात्रा करवा रहा हूँ, लेकिन आपका जो मनोभीष्ट क्या है, आपका वास्तविक मनोभीष्ट रथ यात्रा है। हाँ रथ यात्रा में आप क्या करते हो, वृंदावन जाते हो। देखो जो गुंडीचा मंदिर है ना, गुरुजी बता रहे हैं ये एक निकुंज है, कल बता रहे थे कि गुंडीचा मंदिर ये साक्षात सुंदराचल यानी ये साक्षात वृंदावन धाम है, और जो मूल मंदिर है वो जगन्नाथ जी का मूल मंदिर जो है वो द्वारिकापुरी है, द्वारिका धाम है। तो ठाकुर जी द्वारिका में रहते रहते जब बोलते हैं कि उनके बड़ा उत्कंठा होता है कि मैं कभी वृंदावन जाऊँ वृंदावन जाऊँ, तो जितने भी गौड़ीय वैष्णव ये सब किसके अधीन मतलब किस तरफ हैं, राधा जी के पक्षपाती, हमें तो सर्वदा राधा पक्षपाती कभू नहीं है रीता के सच्चिदानंद भक्ति नोट ठाकुर, जितने भी गौड़ीय वैष्णव है राधा रानी के पक्षपाती हैं। इसीलिए रथयात्रा में सारे वैष्णव बड़े उत्कंठा से कृष्ण को खींच के ले जाते हैं, वृंदावन ले जाते हैं। और जब आश्चर्य बात है, जब बाहुड़ा यात्रा होता है ना 9 दिन के बाद, उसमें ज़्यादा करके वैष्णव जब भाग नहीं देते, वैष्णव इतने आनंदित नहीं होते क्योंकि ठाकुर जी अभी वृंदावन छोड़ करके द्वारिका जा रहे हैं, ठाकुर जी स्वयं रो रो के वृंदावन को छोड़ के ठाकुर जी को द्वारिका जाना पड़ रहा है। तो ये किस प्रकार का भाव हमारे गुरुवर्ग ने दिखाया, और बहुत कुछ है रथ यात्रा के प्रसंग। और दो बात और मैं बोल देता हूँ आज, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद जी का आज विरह तिथि है, दो आचार्य है हमारे स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद और राय रामानंद प्रभु, हम हर दिन जय ध्वनि देते हैं। तो जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद है ये कौन है, ये साक्षात ललिता सखी है। और श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार कृष्ण ने, ये बात हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने श्रीमन महाप्रभु के रूप में जब आए तो राधा रानी बोलते हैं बिना गुरु के ये शिक्षा कभू नहीं है, कि बिना गुरु से आपको इस रस का आस्वादन नहीं मिल सकता। तो कृष्ण बोलते हैं गुरु का आवश्यक है तो कौन गुरु बनेगा, तो साक्षात राधा रानी बोलते हैं कि ये जो मेरे जो सखीगण है ना, मेरे मंजरीगण है ना, इनको साथ में लेके जाओ, ये साथ में लेके जाएंगे तो ये आपको रस का उसी रस का आस्वादन करवाएंगे, उसी लीला में जो जिस रस को आप आस्वादन करना चाहते हो उस रस को ये पुष्टि करवाएंगे। इसीलिए श्री ललिता सखी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में आए, और श्री विशाखा सखी रामानंद आयर के रूप में आए, और इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के जितने भी परिकर गण है ये सब राधा कृष्ण के सखी और मंजरी गण ही है, और कृष्ण को श्रीमन महाप्रभु को उसी रस को आस्वादन करवाने में सहायक किए। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक कर्चे में बड़े सुंदर भाव को लिख रहे हैं, जब ये श्रीमन महाप्रभु के साथ गंभीरा में रहते हैं, जब ये श्रीमन महाप्रभु के साथ गंभीरा में रह के उसी भाव को दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन करने मात्र से ही उनको जो नित्य गोलोक धाम में जिस प्रकार का सेवा करते हैं उससे कई गुना आनंद होता है, और वो मूर्छित हो जाते हैं, वो उसी रस का आस्वादन कर ही नहीं पाते हैं। देखो आए हैं गुरु बन के, लेकिन खुद उस रस को आस्वादन करने के लिए वो लालायित है, खुद उस रस को उल्टा आस्वादन कर रहे हैं। तो आज उनका विरह तिथि है। आज और भी एक नित्यानंद प्रभु का पार्षद है श्री शिवानंद सेन प्रभु, उनका भी विरह तिथि है। तो देखो ये शिवानंद सेन प्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु के कविराज गोस्वामी पाद एक बड़ा सुंदर भाव को लिख रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि नित्यानंद प्रभु को बड़े तेज से भूख लग गया, और बड़े तेज से जैसे भूख लग गया शिवानंद सेन प्रभु को बोलते हैं कि कहाँ गया वो शिवानंद सेन, उसको नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन प्रभु को बड़े डांट लगाया, और डांट लगाते लगाते श्रीमन नित्यानंद प्रभु जैसे ही देखे कि शिवानंद सेन आ रहा है तक्षणा नित्यानंद प्रभु एक लात मार दिया शिवानंद, सब देखे हैं यहाँ पे। तो जैसे भक्ति राज्य में
जागतिक राज्य में जो पागल होते हैं वो प्रेम राज्य में, अगर पारमार्थिक राज्य में उसी प्रकार का अगर भक्ति में पूरा उठ के जो श्रेष्ठतर भक्ति है, भक्ति में जो पागल हो जाते हैं उसको बोलते हैं अवधूत। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार कीर्तन करते हैं कि इस प्रकार महाप्रभु के स्मरण में रुकते हैं कि कहीं कहीं दिन तक उनको भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता। अब बताओ इनको भूख क्यों लगा, इनको प्यास क्यों लगा, इनको क्रोध क्यों लगा? हाँ, ये तो परम आनंद में रहने वाले बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाल। अंतिम में एक लाइन पे बता रहे हैं, नित्यानंद प्रभु सब चरित्र विपरीत क्रोधी होया लाथी मारे तार करे हित। ये नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है ना, ये सारे के सारे विपरीत है। क्रोध है या लाथी मारे तार करे हित, क्रोध तो प्रकाश किया लेकिन जो लात मारा, जो ब्रह्मा के भी जो दुर्लभ चरण का जो रेणु प्रदान किया, क्रोध में भी जो प्रदान किया, तार करे हित तो उसका ही हित कामना किया, उसको ही हित, उसका हित ही सोचा। एक और छोटी सी उदाहरण है, पूज्यपाद भक्ति देसिक आचार्य गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य हुए, श्रील जगत गुरु प्रभुपाद के शिष्य। तो उनके शिष्य श्रील भक्ति प्रदीप गोकुलपुरी गोस्वामी महाराज जी एक समय इनके सेवा में थे। तो ये जो भक्ति देसिक आचार्य गोस्वामी महाराज जी, इन्होंने कुछ वैद्य ने, उस समय वैद्य का जमाना था, इसने अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं थे, आयुर्वेदिक लेते थे, ब्रज में रहते थे, तो कुछ चीज़ को खाने के लिए मना किया था। तो ये अपने उच्चिष्ट किसी को भी नहीं देते हैं। एक दिन क्या हुआ, भक्ति देसी आचार्य गोस्वामी महाराज जी को पूज्यपाद गोकुलपुरी महाराज जी कुछ प्रसाद दे, और जैसे ही प्रसाद दिया तो उन्होंने खाए, उनको रुचि नहीं हुआ, और महाराज जी एक साइड बैठ के प्रसाद पा रहे हैं और पूज्यपाद भक्ति देसी आचार्य महाराज एक साइड बैठ के प्रसाद पा रहे हैं। तो इन्होंने गुस्से में उठा, अपने थाली को उठाया और पूरा थाली को ले कर पूज्यपाद महाराज जी के सर पर पटक दिया। जैसे ही पटक देते सारे जो प्रसाद था वो कहाँ आ गया, पूज्यपाद भक्ति प्रदीप गोकुलपुरी महाराज जी के थाली में आ गया। तो सारे वैष्णवगण बोलने, देखो महाराज जी तुम्हें क्या ऐसे ऐसे ये करते हैं, हाँ इनका आचरण ठीक नहीं है। तो बोलते हैं, देखो गुरुवर्ग का प्रत्येक क्रिया वो शोचनीय नहीं है, वैष्णव प्रत्येक क्रिया, हाँ क्या वो जो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, बड़े बड़े शिव जी गरुड़ जी हनुमान जैसे लोग भी वैष्णव का क्रिया मुद्रा को नहीं जान पाते। तो इसीलिए देखो ये कभी अपने उच्चिष्ट देते नहीं, आज क्रोध से तो मुझे क्या किया, अपने उच्चिष्ट को प्रदान कर दिया। तो ये इस प्रकार का बड़े सुंदर का आज उनका रथ यात्रा है। हमारे दो गोस्वामी का आज विरह तिथि है, उसी प्रकार का विरह में हमारे वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर रूप में कथा होता था, गुरुदेव सबको कथा करवाते थे पूरी में, बड़े सुंदर सुंदर रूप में जितने भी हमारे वैष्णवगण आते थे कथा करते थे। निश्चित रूप में हम गुरु वैष्णव के चरणों पर रुक के हर समय रथ यात्रा के इस तिथि को गुरुदेव के साथ ठाकुर जी के सन्निधि पे पालन करें, और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी नित विशेष करके हमारे ऊपर कृपा करें, और श्री नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद शिवानंद सेन प्रभु, ये निश्चित रूप में जो नित्यानंद प्रभु के ही पार्षद है, तो इनके द्वारा इनके चरणों पकड़ोगे तो ये निश्चित रूप में नित्यानंद प्रभु के पास ही ले जाएंगे। इनके चरणों पकड़ोगे तो निश्चित रूप में नित्यानंद प्रभु के पास ही जाएंगे। तो ये निश्चित रूप में हमारे ऊपर हमारे हृदय में काम क्रोध अनर्थ को दूर करके गुरु वैष्णव की सेवा में रुचि प्रदान करे। और कल कह दे अनाउंस कर दे, पर्वत महाराज को अनाउंस कर दे, और कल को पूज्यपाद पर्वत भक्ति आलोक पर्वत महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। देखो चार दिन से भंडारा ही भंडारा है, गुरुदेव हैं, कल को भी फिर से भंडारा है और महाराज जी का भी आविर्भाव तिथि है। ठीक है, इस प्रकार में सर 5 हरे कृष्ण। कल भी हमारे जो बता रहे थे कल महाराज जी है, कल की का भी तिथि है, कल भी ऐसे उत्सव होगा, कल हम लोग आओगे आपको भी ऐसे प्रसाद और भगवान की कथा सुनने को कल भी मिलेगा। ठीक है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामे सर्वप्रथमरुदयनित्यविलापप्रविष्ट ओं विष्णुपादस्तुतश्रीश्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री दुर्ग गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण वैष्णवगण एवं समस्त वैष्णवीगण
सबके चरणों में रखो जी कोई देता हूँ। आज महान उत्सव है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, जो आज यही पूरी धाम बन गया, क्योंकि जहाँ गुरुदेव हैं वही तो वृंदावन और वही तो पूरी धाम। इसीलिए गुरुदेव के सानिध्य में हम जहाँ कहीं भी हैं वह धाम से कम नहीं होता। जगन्नाथपुरी में हम चले जाएं और गुरुजी यहाँ हैं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रेम और भगवान का दर्शन गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो जगन्नाथ जी का स्वरूप हम सब ने देखा, कितना सुंदर, विशाल आंखें और हाथ बड़े हुए बैठे हुए, पैर भी बैठे हुए और सुंदर प्रेम का विकार, राधा लिंगम श्री विग्रह, ये महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात जगन्नाथ जी ही महाप्रभु है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अब हर कल्प में अलग अलग कथा है। कल्प बोलते हैं ब्रह्मा जी का एकदम, कई कथाएं आपने श्रवण की। आज हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, उसमें अनेक कथाएं लिखी है, उनमें से एक छोटी सी कथा मैं लूंगा और उसको हम श्रवण करेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी का ये स्वरूप कैसे हुआ। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में, जिनकी रानियां हैं 16108 रानियां और जिनसे 10-10 पुत्र हैं और एक एक पुत्री, अर्थात बहुत बड़ा परिवार, तो भी ब्रज को भूल नहीं पाते। रानियां एक से एक सुंदर और सेवा में तत्पर, सुबह से लेकर रात्रि तक श्री कृष्ण का सुंदर सेवा में लगी रहती हैं, तो भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज को भूल नहीं पाते। रुक्मणी या सत्यभामा या अन्य कोई भी रानी, वो हमेशा ये चाहती है कि कृष्ण को इतना प्रेम दें, इतना सेवा करें कि ये ब्रज को भूल जाए। कभी मैया यशोदा कहते हैं, कभी नंद बाबा कहते हैं, कभी सुबल सखा, कभी मधुमंगल सखा, तुम कहाँ हो, रोते हैं बिलखते हैं। और सबसे ज्यादा तो रात्रि में जब रास का समय होता है तब रोते हैं। सब सुनिए ध्यान से, हरि बोल। और बिस्तर में लेटे हुए हैं, रुक्मणी के वस्त्र को स्पर्श करके कहते हैं हे ललिते, कभी सत्यभामा के वस्त्र को स्पर्श के कहते हैं हे विशाखे, कभी अन्य रानी को स्पर्श करके कहते हैं हे राधे तुम कहाँ थी, इस प्रकार से क्रंदन करते हैं, रोते हैं। ये हमारे कृष्ण नटखट कन्हैया, इस प्रकार का भाव ये हमें एकमात्र इस गौड़ीय संप्रदाय में सुनने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में रो रहे हैं और एक बार इतना बुरी तरह से ये क्रंदन करते करते जो है बेहोश हो गए हैं। रात्रि हो गई, सुबह हो गई, इनको कुछ शुद्ध बुद्ध का पता नहीं। इनको उठाने के लिए समस्त वहां के द्वारिका वासीगण आ गए हैं और देवकी मैया इनको उठा रही है, रानियां इनकी सेवा कर रही है, चरण को दबा रही है, लेकिन तो भी श्री कृष्ण उठ नहीं रहे। तब वहां पर इस लीला को देखने के लिए श्री नारद जी आए। नारद जी को देखकर समस्त द्वारिकावासी बोले हे नारद जी, आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं, सुंदर कीर्तन करते हैं, क्यों ना आप ब्रज के जो है भक्तों का कीर्तन करें, और ब्रज के भक्तों का कीर्तन श्रवण करके ये कृष्ण जो है बेहोशी की अवस्था को छोड़ करके तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने कहा मैं कीर्तन तो कर दूंगा, राधा रानी का कीर्तन कर दूंगा, ब्रजवासियों का कीर्तन कर दूंगा, लेकिन ये स्वस्थ हो जाएंगे और उसके बाद ये यहाँ रुकेंगे नहीं। इनको एकमात्र आवेश होगा ब्रज के नंदन का और ये चले जाएंगे ब्रज की ओर। उसके बाद क्या होगा आप समझ लीजिए, यदि इनको ब्रज नजर नहीं आया फिर से ये बेहोश हो जाएंगे। ये भाव समझिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी या गोपियों का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, वो कामुक स्त्री या पुरुष का प्रेम नहीं है। वो तो यहाँ हो ही नहीं सकता इस जगत के अंदर, यहाँ तो एकमात्र जो है काम है, लेकिन वहां शुद्ध प्रेम है। अगर शुद्ध प्रेम ना होता तो यहाँ पर जो राधा रानी है वो गदाधर पंडित बनकर ना आते,
इस प्रकार से अभी आप सुन रहे थे स्वरूप दामोदर, जो ललिता सखी है वो स्वरूप दामोदर अर्थात ब्रह्मचारी बनकर के चैतन्य महाप्रभु की लीला का संपादन कर रहे हैं। ये शुद्ध प्रेम है, ये उत्कृष्ट प्रेम है, इसमें काम की गंध का लेश मात्र भी नहीं, इसलिए शुद्ध प्रेम है। तो नारद जी की बात सुनकर के कहा, ये बात तो तुमने सही कही, तो हम क्या करें। तब वहां पर उद्धव जी थे, उद्धव जी से कहा, हे उद्धव तुम एक काम करो, तुम ब्रज में जाने का तैयारी करो और ब्रज में जाके कहो कि कृष्ण आ रहे हैं, उधर भी वो सब तड़प रहे हैं, उनको विरह ताप से बचाओ और इधर हम कीर्तन करके उठाएंगे और कहेंगे उद्धव गए हुए हैं आपका समाचार देने के लिए, आपको अभी रथ हम सजा रहे हैं उसमें विराजमान हो रहा है श्री कृष्ण और आप ब्रज की ओर प्रस्थान करें। ये सुनकर के उद्धव ने बोला, अरे भैया मैं तो पहले ही जा करके बड़ा ही हताश हुआ हूँ, वहाँ से जब जाता हूँ अपनी ज्ञान की गुदड़ी को लेकर के, वहाँ तार तार हो चुकी मेरी ज्ञान की गुदड़ी, और उसके बाद में उन्हें सांत्वना क्या देकर आया था कि आज मैं तुमसे वचन करता हूँ हमारे कृष्ण अभी मथुरा में कुछ समय वहाँ पर दे रहे हैं, वहाँ सबको सुधार के सबका उद्धार करके बहुत जल्दी आ जाएंगे, और आज इतने वर्ष हो गए हैं आज तक कृष्ण वहाँ नहीं गए हैं और वो मेरी बात को क्यों मानेंगे, जब मैं पहले ही उनसे जब कहा तो उसका झूठा बन गया मैं, तो वो कैसे अब दोबारा मेरी बात को मानेंगे। तो उद्धव जी ने मना किया, तब सब ने बलराम जी की ओर देखा, हे बलराम जी आप जो है आप प्रस्थान कीजिए और यहाँ पर हम इनको कीर्तन करके जगाएंगे और कहेंगे बलराम जी गए हैं वहाँ ब्रज में और आप भी जाइए। तो बलराम जी क्या कहते हैं, देखो मैं अभी कुछ समय पहले वहाँ गया था ब्रज में और वहाँ जो गोपियाँ विरह ताप में जल रही हैं उनको बड़ा ही सांत्वना दिया और कहा कि देखो कृष्ण जल्दी ही यहाँ पर आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं लेकर के आऊँगा, और मैंने आकर के कृष्ण से कई बार कहा, हे कृष्ण ब्रजवासी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं विरह के ताप में, वो तुम्हारे लिए शरीर धारण किए हैं, कब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, तुम चलो हे कृष्ण। ये सुनकर के कृष्ण कभी कहते हैं बस अमुक काम करके मैं जरूर जाऊंगा भैया, ऐसे कर करके कई वर्ष बिता दिए, लेकिन ये कोमल हृदय वाला कृष्ण जो वृंदावन में इतना कोमल हृदय वाला था, यहाँ कठोर हृदय वाला जनक कैसे हो गया और मेरी बात को इसने जो कभी नहीं माना, इतने वर्ष बीत गए। तब सबने कहा तो ये सुभद्रा को भेजा जाए, सुभद्रा की बात जरूर सब समझेंगे, क्योंकि तो वो नहीं हो पाया तो सुभद्रा देवी को जो है कहा जाए तो हो सकता है कि ये बात बन जाए। सुभद्रा आप रथ तैयार कीजिए, मेरा रथ तैयार कीजिए, बलराम भैया का रथ तैयार कीजिए और नंदनंदन श्री कृष्ण का भी रथ तैयार कीजिए। सबका रथ तैयार किया गया और रथ तैयार करके जैसे ही कीर्तन किया, सुंदर नारद जी ने प्रारंभ किया, समस्त वहाँ के द्वार के वासियों ने जब वहाँ पर कीर्तन प्रारंभ किया और यहाँ पर बलराम जी सर्वश्रेष्ठ जो सबसे आगे रथ पर चढ़ करके ब्रज की ओर चले हैं, पीछे सुभद्रा देवी भी अपने रथ पर चल पड़ी हैं, और यहाँ पर जब कीर्तन हुआ तो यहाँ पर श्री कृष्ण भी जाग उठे हैं और पूछने लगे, कहाँ है मेरी कन्हैया, वो कहाँ है मेरी बंसी, कहाँ है मेरी लकुटी, और वो भाव कौन सा आ गया, एकदम ब्रज का आ गया। सबने कहा आप जो है द्वारिका में है, लेकिन चिंता मत करो कृष्ण, सामने देखो तीन रथ खड़े हैं, एक में बलराम भैया बैठे हैं, एक में सुभद्रा बहन बैठी है, कृपया करके आप भी विराजमान हो जाएं। प्रेम के आवेश में श्री कृष्ण उस रथ पर चढ़ने की चेष्टा करते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, द्वारिका वासी उनको पुनः पुनः उनको बिठाते हैं, जैसे आज आपने सब टीवी में देखा होगा जगन्नाथ रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी को रथ में जब विराजमान कराते हैं वहां के पंडा लोग, तो बार बार आगे जाकर पीछे आते हैं, वो वही प्रेम का विकार है, वो प्रेम का आवेश है, ऊपर नहीं चढ़ते और यहाँ पर पंडा जोड़ लगाते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी प्यार से उनको सहलाते हैं, तब जाके वो चढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से वो चढ़े हैं और यहाँ ब्रज के अंदर जो ग्वाल वाले हैं उनकी बात छोड़ो, गोपिकाओं की बात छोड़ो, नंद बाबा यशोदा मैया की बात छोड़ो, यहाँ के तो बछड़े हैं उन्होंने तक भी घास खानी छोड़ दी। श्री कृष्ण के विरह में वहाँ ब्रजवासी इस प्रकार से हो गए हैं, ग्वाल सखाओं ने खेलना कूदना त्याग दिया है, गोपियों ने खाना पीना त्याग दिया है, विरह में तड़प रही हैं, और सर्वश्रेष्ठ विरह था श्रीमती राधा रानी का।
उस ताप को हम और आप क्या समझेंगे, ये तो गुरुवर्ग जानते हैं। उनके ताप की विरह अग्नि इस प्रकार की है, यदि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई पत्र आ जाए, सुंदर हरा पत्र भी आ जाए, तो उसको वो जला के भस्म कर देती है। इस प्रकार से उनके शरीर से ऐसी विरह ताप निकल रही है राधा रानी के। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, राधा रानी जब विरह के ताप पे जल रही है तो ब्रज के समस्त चंदनों का अभाव हो गया, चंदन के वृक्षों का अभाव हो गया, समस्त दुकानों में जो चंदन है उनका अभाव हो गया, राधा रानी को घिस घिस के चंदन लगाया जाता है और विरह ताप इतना तीव्र है, थोड़ी देर में वो सूख जाता है चंदन। उसके बाद गोपियां जाकर के कमल को लाती है, कमल के फूलों को लाते हैं, उसके पत्रों को, क्योंकि शीतलता प्रदान करते हैं वो पत्र, चंदन के बाद उनको लगाती है राधा रानी के शरीर पर, तो भी वो मुरझाकर भस्म तक हो जाते हैं। ये राधा रानी का विरह ताप है। राधा रानी कहती है कृष्ण नहीं आए ललिते, ललिता बोलती है आएंगे कृष्ण आएंगे, चिंता नहीं करो। राधा रानी मूर्छित हो जाती है, फिर कृष्ण कृष्ण की ध्वनि करके कीर्तन किया जाता है, पुनः राधा रानी को उठाया जाता है और कहती है राधे तुम चिंता ना करो कृष्ण अवश्य आएंगे। तब राधा रानी रोती रोती बिलकती बिलकती कहती हैं ललिते झूठा सांत्वना मत दो, मुझे मालूम है अब मेरे प्राण ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, मैं तो चाहती थी अंतिम दर्शन कृष्ण का कर लो, लेकिन मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? इच्छा ये है जब अंतिम संस्कार हो तो ये जितने भी पंच धातु के तत्व हैं अपने अपने धातु में मिलेंगे, अपने अपने धातु में मिलेंगे, अग्नि अग्नि में, अग्नि का अंश अग्नि में, वायु का अंश वायु में, पृथ्वी का अंश पृथ्वी में, जल का अंश जल में, ये जरूर मिलेगा। तो भी मेरी क्या इच्छा है, मेरी अभिलाषा ये है कि कृष्ण आए, जब वो चले उनके चरण कमल पृथ्वी पर, मेरे जो वायु का पृथ्वी का अंश है उनकी सेवा उनके चरण कमलों की करे, और वो जब चले जब वायु बहे तो उसमें मेरा अंश मिला हो, मैं उनकी सेवा कर सकूं, और इस प्रकार से जब यमुना जी में स्नान करें तो मैं उस जल के अंश में उनकी सेवा कर सकूं। ये राधा रानी का भाव है, इसे कहते हैं उत्कृष्ट प्रेम। ये राधा रानी का भाव है, जीते जी भी प्रेम करूं, जीते जी भी सेवा करूं, मरने के उपरांत भी सेवा करूं। और सच बात तो ये है कि राधा और कृष्ण साधारण हम लोग मान लेते हैं कि एक मनुष्य और एक स्त्री इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है, ये परब्रह्म की लीला है, ये परमात्मा की लीला है। इसमें हमेशा बड़े आदर पूर्वक इसको हमें समझने की चेष्टा करनी चाहिए। धन्यवाद। और एक बात मैं कहना भूल गया, अभी ये जो रथ चले थे वो कहाँ पहुँचे तो बताना ही भूल गया। रथ जब पहुँचे तो वहाँ पर कृष्ण भगवान को जब पता चला कि राधा रानी जो है बिल्कुल अंतिम क्षणों में है, उनको श्री कृष्ण को जैसी पता चला और ये जाकर के जैसी मिलने की चेष्टा की, वो प्रेम में ऐसे आवेशित हो गए, ये जो सुंदर शिव विग्रह देख रहे हैं ये प्रेम का विकार जगन्नाथ जी का हो गया, और उनको देख करके बलराम जी और सुभद्रा जी का हो गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आज महाराज जी के करकमलों से जहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से मंदिर निर्माण के लिए सुंदर जगह चुनी है, उसका कुछ पैसा भी चला गया है और काफ़ी लोग उत्साहित हैं उसमें योगदान देने के लिए, सेवा देने के लिए। आज उधर बहुत सुंदर तरीके से बोर्ड भी लगा दिया गया है निर्माण कार्य हेतु, इस तरीके से श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ निर्माण स्थल लिख दिया गया है, इसके लिए जोरदार तालियां हरी बोल। और उसमें बहुत लोगों ने सेवा दी है, जिसमें हमारे प्रभु जी हैं जो गुप्त दान भी दे रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, अनाउंस तो कर दो कितना दिया, बहुत अच्छी रकम दी है, इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे कालूराम भारद्वाज जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसमें सेवा दी है, और भी बहुत लोग आगे आ रहे हैं। और महाराज जी से कल हम एक विचार विमर्श कर रहे थे, कालूराम जी का सुझाव था कि जो जो इसमें सेवा देना चाहे, देखो दान तो कर्म योग में दे जाता है, भक्ति में सेवा चलती है, चाहे दान के स्वरूपों से सेवा ही कहा जाता है, तो जो जो भी इसमें अच्छी सेवा देगा 51,000 से ऊपर
वहाँ एक शिलापट जो है गढ़ाया जाएगा और उसमें नाम खुदवा करके सबके नाम अंकित होंगे। अपने पिता या पूर्वजों के भी नाम से आप वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कालूराम जी भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने 1,51,000 रुपए दिया। जोरदार तालियां। हरी बोल। हरे कृष्णा। देखो भगवान कृष्णा उद्धव जी को ये बात कहते हैं, अगर कहीं एक मंदिर बन रहा है उसमें केवल एक ईंट को दे, केवल एक ईंट दे दे ठाकुर करते हैं, उसके लिए मैं गोलोक वृंदावन में रात महीने बना लेता हूँ। ये पन कह रहे हैं कृष्णा उद्धव जी को कह रहे हैं। इसलिए आप लोग अंदर में जितना समर्थ है, समर्थ से बाहर नहीं, जितना समर्थ हो सके अगर एक ईंट भी दे दोगे ना, ठाकुर जी आपके लिए गोलोक वृंदावन में राजमहल बना देंगे। बड़े भाग्य से आप सुदामा जी का नाम जानते हो। सुदामा जी 2 मिट्टी केवल आशीर्वाद दिए, ठाकुर जी त्रिभुवन करा दिए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं। इसलिए आप लोग में जितना संभव हो अगर थोड़ी थोड़ी मदद करोगे फिर तो आपकी वस्तु से भगवान की मंदिर बनेगा। फिर जब गोलोक वृंदावन जाओगे आपके लिए राजमहल वहीं पर देखोगे, ठाकुर जी आपके लिए राजमहल बना दिए होंगे। हरे कृष्णा। इसमें आज कुछ मंडी के कुछ लोग आए ना, जहाँ सब्जी मंडी के कौन कौन आए हो, हाथ उठाओ तो। सब्जी मंडी से कौन कौन आए, हाथ उठाओ जोर से। अरे जोर से हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मंदिर में जो सब्जियाँ आती हैं आप लोग बड़े आनंदपूर्वक भगवान के लिए सब्जी आप देते हो। ठाकुर जी को देने का बड़ा महत्व है। ठाकुर जो सब कुछ ठाकुर ही देते हैं, लेकिन ठाकुर जी सबका वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। कहते ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा मिश्र त्याग करके उन्होंने विदुरानी के घर में उन्होंने क्या कहे, साग भाजी ठाकुर जी खाए। इसलिए आप लोग जो मंडी से आप लोग सब्जी देते हो, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आप खूब फलते फूलते रहो और खूब ठाकुर राधा रानी आपका झोली भर दे। ठाकुर जी आपको झोली भरे क्योंकि आप लोगों ने हर समय में आप लोग सब्जी देते हो और कालू राम प्रभु जी सबसे ले आते। मंडी के कोई मैनेजर कोई बड़े व्यक्ति थे, कौन है प्रधान जी? कौन प्रधान जी भैया, खड़े हो जाओ प्रधान जी। बहुत अच्छे, इनके लिए भाई ताली बजाओ क्योंकि उन्होंने हर ठाकुर जी सेवा ली है। जैसे आज पेठा आया है, आलू आया है, टमाटर आए है, आज सभी के लिए भंडारा के लिए सब ये भक्त लोगों ने दिए हैं। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है। आज जो भंडारा में भी हमारे भक्त लोगों को मना कर दिया, कुछ कुछ उन लोगों ने मदद किया है, लेकिन मेरे को मना किया है हम लोगों का नाम को लेना नहीं। हमारे श्री सुरेंद्र मित्तल प्रभु जी मैंने बोले हमारा नाम लेना नहीं, इसलिए हमारे नाम नहीं। अरे हमारे सिंगल प्रभु जी उन्होंने बोले हमारा नाम नहीं लेना है। और इसमें कुछ भक्त लोगों ने कुछ कुछ मदद दिया है, लेकिन ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किया दिया, ठाकुर जी सब जानते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सबको शांति दे, सुख दे और सबको प्रेम दे और ठाकुर जी सबको भक्ति प्रदान करें। और सबके सब आप लोग देखो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। ये मत समझो हमारे पास में पैसा नहीं, हम तो पैसा नहीं दे सकते। देखो ठाकुर जी अगर मन में भी ठाकुर जी को कुछ दे दो ना, ठाकुर जी उसको भी ग्रहण कर देते हैं। देखो छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कहीं ऐसे सत्संग हो रही थी, बेचारा एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास में कुछ भी नहीं, रोज सत्संग सुनने जाता था। एक दिन उन्होंने सत्संग में सुना भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, अगर किसको पास में कुछ भी नहीं हो, अगर मन में भी मेरे को कुछ दे देता है मैं स्वीकार कर लेता हूँ। वो तो खुश हो गया, बेचारा बड़ा गरीब था। बोले बहुत अच्छी बात। वो रोज घर में बैठी करके क्या करता है, मन में ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया रसोई बना करके मन में खिलाता है। ऐसे करते 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 उसका मन इतने आकृष्ट हो गया ठाकुर जी में, एक दिन उसने मन में सुंदर मंदिर बनवाया, मन में उसने रत्न सिंहासन बनवाए,
मन मन में लक्ष्मी नारायण को उन्होंने स्थापन किया, बड़े सुंदर ठाकुर को मन मन में, और सोने की कलसी में गंगा से पानी ला करके पंचामृत से ठाकुर को स्नान करवाया। सोचा आज ठाकुर को खीर भोग लगाऊंगा, और सोने की कटोरी में, किसमें, सोने की कटोरी में ठाकुर जी का खीर भोग लगाएंगे। बड़े सुंदर उसने खीर बनाया और सोने की कटोरी में ठाकुर जी जो भोग लगाए, नियम है ठाकुर को एकदम गर्मी चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गर्मी चीज से कोई ज़्यादा गर्मी चीज जो हाथ मारो क्या होगा, जल जाएगा। उसने सोचा ये ठंडा ना गर्मी है, इतने में उन्होंने जब अंगुल डालने के लिए देखने के लिए गया, इतने प्रेम में आविष्ट हो गया था, उसका अंगुल पुघला पड़ गया, अंगुल जल गई उसकी, लेकिन कुछ है ही नहीं। उसने रोने लग गया, बोले क्यों, बोले ठाकुर जी के लिए मैं खीर बनाया, स्वर्ण की कटोरी में खिला रहा था और गर्म था तो अंगुल डाला तो अंगुल पुघला पड़ गई, मतलब ये खीर नष्ट हो गया, ठाकुर को भोग में नहीं लगेगा, बैठ कर रो रहा था। इतने में वैकुंठ में नारायण बैठे बैठ कर हंस रहे थे। लक्ष्मी पूछा, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो, बोले ऐसे ऐसे कि मेरा भक्त है, मेरे को मानसिक रूप में मेरे को खीर भोगा लगा रहा था, मैंने वो अंगुल जल गया। बोले ऐसे ऐसे भक्त, बोले मेरे को दिखाने के लिए ले जाओ। फिर उन्होंने वैकुंठ से आए, देखा बैठ करके रो रहे हैं। ठाकुर जी उसको गरुड के ऊपर बैठा करके सीधा कहाँ ले गए, वैकुंठ ले गए। इसलिए मानसिक रूप में भी अगर कोई ठाकुर को सेवा करे, ठाकुर उससे भी ग्रहण करते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया तन मन और धन, ये तीनों से सेवा करो, पहले तन से करो, नहीं तो मन से करो, नहीं तो धन से करो। क्योंकि जब धन, आप देखना ऐसे की चीज है, हम हर चीज को देते थे लेकिन धन देना बड़ा कठिन है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर धन कितने कष्ट से कमाते आपको पता होगा, कितना आसक्ति, लेकिन वो अगर धन क्या कहते हैं, लक्ष्मी, धन को क्या कहते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी है, वो नारायण की लक्ष्मी। अगर वो लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में लग गई ना, बस हम कहते हैं ना लक्ष्मी की दो वाहन है, एक गरुड़ वाहन और एक उल्लू वाहन। लेकिन उल्लू के ऊपर में लक्ष्मी अकेली बैठती है, जब लक्ष्मी को अपना घर में अकेले बुला भोग के लिए, वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आई, फिर तो हमें उल्लू बनाई। लेकिन अगर घर में लक्ष्मी को बुलाओ, बोले क्यों, बोले नारायण की सेवा के लिए, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आई। और आपका घर नहीं, आपका घर गोलोक वृंदावन बना देगी, घर गोलोक वृंदावन बना देगी। इसलिए लक्ष्मी की तभी सार्थकता है जब ये लक्ष्मी ठाकुर को सेवा में लगे। देखो जो कुछ आप ठाकुर को सेवा में लगाओ ना, ठाकुर के पास में सब लिखा रहता है, सारे चीज लिखी रहेगी। जब ऊपर जाओगे ना, जब चित्रकूट का काफी खोलेगा, सब लिखा हुआ वही मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ वही मिलेगा। क्यों, अपने ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में दिए हैं। इसलिए आप लोगों को जितना जो कुछ समर्थ होगा, आप लोग जो कुछ समर्थ आपको होगा, आप लोग कोशिश करना मंदिर की सेवा के लिए, ठाकुर का आशीर्वाद मिलेगा, ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। ठीक है, अभी आप लोग सब लाइन करके सब बैठ जाएगा, और कल भी ऐसे कथा होगी ठाकुर जी की, कल भी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, कल भी आप लोग सबके सब खाना और कथा सुनना, कल भी ठाकुर जी की प्रसाद बना। और जगन्नाथ जी की ये आज छापान भोग भोग लगाए ठाकुर जी का, देखो तरह तरह से, कोई कोई भक्त लोग अपना घर से बढ़िया बढ़िया, मैं तो भूल गया था सब भक्तों को बोलने के लिए, याद आया तो कुछ भक्तों को मैंने बोल दिया। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, साल में एक बार है, हैं, कहते ठाकुर को सेवा में एक किणिका, केवल एक किणिका अगर ठाकुर को सेवा में कोई लगा दे, ठाकुर खुद कहते हैं किसी जीवन में तुम्हारे घर में अन्न और वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहेगी माँ लक्ष्मी। इसलिए आप लोगों ने जो जो ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बना करके लाए हो, ठाकुर सबका आशीर्वाद करे, ठाकुर सबको कृपा करे, और घर में सब सुख और शांति में रहो। और जो कुछ हमारे भक्त लोग हैं, जो लोग हमसे हरिनाम माला लिए हो, देखो कभी गले से माला नहीं उतारना। बड़े गुरु जी कहते थे ये तुलसी साक्षात लक्ष्मी है, और भगवान जब ये संसार छोड़कर गए, तुलसी में ही अपना स्वरूप रख कर गए। घर में गले में लक्ष्मी, गले में कंठी मतलब लक्ष्मी और नारायण का निवास है। जब स्वयं कहते हैं जिनकी गले में तुलसी कंठी, वो कभी नरक नहीं जाएगी, कभी वो नरक नहीं जाएगी। ये स्वयं जब दूतों को जब कह रहे हैं, इसलिए गले से कभी कंठी उतारना नहीं,
अगर किसी कारण से टूट गया फिर दो बार धागा में को कर गले में पहन लो, नहीं तो यहाँ से आकर कंठी जरूर ले जाना और गले में कंठी और तिलक लगाना जरूर। तिलक का बड़ा महत्व है, हैं तिलक की बड़ी महत्व। देखो ठाकुर स्वयं तिलक लगाए, आप देखो बलदेव प्रभु कृष्ण को देखो अभी स्वयं तिलक धारण किया, तिलक का बड़ी महत्व है। और जो तीसरी चीज है ये भगवान की माला है, जरूर हरिनाम करना। क्यों जीवन में जो कुछ करो करो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छूटेगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? यही बोलेंगे ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात उठा। यही बोलेंगे बेटा, जितने राम और कृष्ण का नाम लिया तेरे साथ में केवल वही जा रहा है, और इसके बगैर जो कुछ किया सबके सब यहीं रुक रहा है, एक सुई धागा भी नहीं जाती। इसलिए गले से कंठी, तिलक और जो माला है, ये तीन चीज को कभी भूलना नहीं, ठीक है? अभी ठाकुर का प्रसाद होगा, आप लोग सबको सब लाइन करके बैठना और प्रसाद पा करके सबके सब आनंद से जाना। एक मिनट कीर्तन करते थे, सबके सब मेरे पीछे ताली बजाते थे कीर्तन करने। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब ताली बजा के बोलो, हरे Oh,
सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। रथ यात्रा महा महोत्सव की जय। उत्सव में आने वाले सारे भक्त वृंद की जय। भरत के भक्त वृंद की जय। जय महाप्रसाद की जय। आप सब पंक्तिबद्ध तरीके से बैठ जाइए और जो सेवा करना चाहते हैं अंदर जाके हाथ जोड़ करके परमिशन करें, एक एक बाल्टी लेकर के अच्छे से परमिशन करें। अभी तक तो आप हमारे जाके कि सब पार्टी में सब कर दो और यहाँ पर श्याम सुंदर प्रभु अंदर चले गए एकदम सबको लाइन से ज्यादा से ज्यादा बता सकते उसको यहाँ से बता दें। बोला भी बंद है नंबर, मैं तो घर छोड़ गई हूँ, मेरी मम्मी के यहाँ पे हूँ ना अभी।